हरियाणा में हैवानियत, 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद मुंह दबाकर हत्या की, फिर पेट्रोल डालकर जलाया शव। कलायत क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय पड़ोसी युवक ने 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे मुंह दबाकर मार डाला। वारदात का किसी को पता नहीं चले, इसीलिए उसने पेट्रोल डालकर शव को झाड़ी में जला दिया। पुलिस ने आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की अपील करेगी। बता दें कि शनिवार को 2री कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची दोपहर से ही गायब थी। बच्ची के पिता ने शाम को कलायत थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को DSP सज्जन सिंह के साथ करीब 100 पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने सर्च अभियान चलाया। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे ग्रामीणों को झाड़ी में बच्ची का अधजला शव मिला। नागरिक अस्पताल में लोगों का जमावड़ा, अब ग्रामीणों ने नागरिक अस्पताल में डेरा जमा लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपित पवन को गिरफ्तार कर लिया है। अब ग्रामीणों की मांग है कि आरोपित के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला शुरू किया जाए। इस बारे में सरकार का कोई बड़ा नेता आश्वासन दे, अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्ची के शव को नहीं लेंगे। CCTV में कैद हो गया था आरोपी। जांच के दौरान पुलिस को गांव के एक घर में लगे CCTV फुटेज में आरोपित पवन बच्ची के साथ दिखा। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि बच्ची उसे जानती थी और वह पहले भी कई बार उसके साथ खेलने आती थी। रविवार को जिस समय पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उस समय वह नशे की हालत में था। क्षेत्र के जिस गांव की मासूम बेटी को 24 घंटे से पुलिस और ग्रामीण सर्च ऑपरेशन चलाकर तलाशने में जुटे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उसे जंगल में मौत की नींद सुला दिया गया है। अंतिम समय तक हर किसी को यही उम्मीद थी कि बेटी सकुशल घर लौटेगी। जैसे ही हकीकत का मंजर ग्रामीणों के सामने आया तो वे फपक उठे। इस गाँव में इस प्रकार का जघन्य कभी नहीं हुआ था। शनिवार को यह बेटी स्कूल नहीं गई थी।